हूं आपके साथ अरण्या बेदी। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के भिवानी दौरे का आखिरी दिन है आज। बड़ी खबर तो शाम के पंजाबी धर्मशाला में करेंगे जनसंवाद। 10:30 बजे दुल्हेड़ी के नॉलेज सेंटर का करेंगे दौरा। 11 बजे गांव संडवा में शाम बाबा मंदिर में जाएंगे सीएम। 11:40 पर बाबा गांव के चौक में करेंगे जनसंवाद कार्यक्रम। 2:35 पर गांव केरू के चिंकारा प्रजनन फॉर्म का करेंगे दौरा। 3:10 पर धौलिया कुआं के पास ग्रामीणों से जनसंवाद का कार्यक्रम होगा सीएम मनोहर लाल का। तो सीएम मनोहर लाल के भिवानी दौरे का आज आखिरी दिन, तो शाम के पंजाबी धर्मशाला में करेंगे जनसंवाद। 10:30 बजे दुल्हेड़ी के नॉलेज सेंटर पार्क जाएंगे। 11 बजे गांव सडवा में शाम बाबा मंदिर में जाएंगे सीएम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भिवानी दौरा है आज। बड़ी खबर जहां पर सीएम मनोहर लाल के भिवानी दौरे का आज आखिरी दिन। 11:40 पर गांव के चौक में करेंगे जनसंवाद कार्यक्रम। गांव के केरू के चिंकारा प्रजनन फॉर्म का करेंगे दौरा। 3:10 पर धौलिया कुआं पर ग्रामीणों से जनसंवाद का कार्यक्रम भी होगा। सुमित ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज मनोहर लाल हरियाणा के सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम है? भिवानी दौरे का आज आखिरी दिन है, आज का क्या कुछ शेड्यूल रहेगा? बिल्कुल अनन्या, अगर बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत भिवानी में है। लगातार तीसरे दिन से उनका प्रवास है और आज अगर मैं पहले दिन का जिक्र करूं तो भवानीखेड़ा हल्के के गांव करकला से इस जनप्रवास कार्यक्रम की जनसंवाद कार्यक्रम का आगाज किया गया था। दूसरे दिन की बात करूं तो दूसरे दिन भवानीखेड़ा और साथ ही साथ तो शाम हल्के में उन्होंने पदार्पण किया था। आज अगर मैं बात करूं, अभी शुरुआत होगी तो शाम की पंजाबी धर्मशाला से कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। उसके बाद गांव संडवा, दुलेड़ी, केरू, इन तीन गांव का उनका दौरा रहेगा, जनसंवाद के कार्यक्रम रहेंगे। जो चिंकारा केंद्र है उसका भी कहीं ना कहीं दौरा किया जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। लोगों की समस्याएं सुनी जा रही, सीधे तौर पर संवाद किया जा रहा है। खासतौर पर जो है अगर बात की जाए हरियाणवी ठेठ, हरियाणवी अंदाज में जो है ये मंच सजाए गए हैं पूरी तरह से। जहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वहां पर लोगों की तादाद को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री जो है उनके बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और इसके साथ साथ उनके निदान के भी जो है निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात और भी कही है कि 3 दिन के प्रवास के बाद अगर बात की जाए वो जो है चंडीगढ़ में तमाम अधिकारियों की मीटिंग आहूत करेंगे, बुलाएंगे। उसके बाद जितनी भी समस्याएं, जितनी भी दिक्कतें हैं, तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए संबंधित महकमे के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। अनन्या, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच